और सभी साथियों, एक्चुअली आज मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कर सकते हैं। मैं बैठा बैठा जी सोच रहा था कि हर आदमी जो काम दूसरों के लिए करता है वो एक तरीके से सोशल, जिसको कहते हैं हम सब लोग सोशल आदमी है। और अगर मैं इतने बैठे हुए सब लोगों से कहे तो कुछ ना कुछ आदमी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। मुझे नहीं मालूम, जितनी भी अभी हिंदुस्तान चल रहा है अगर आप देखें तो हम लोग अभी तक क्या मानते थे। मैं भी चूंकि अग्रवाल समाज से हूँ, वैश्य समाज से हूँ और बहुत सी कम से कम 500-700 हज़ार संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हम मानते थे। अनाथालय को अनाथालय खुलवा दो, विधवा आश्रम खुलवा दो आप, एजुकेशन के लिए स्कूल खुलवा दो आप, जो है अस्पताल खुलवा दो, यज्ञ करवा दो, महाराज जी की कथा करवा दो, दान करवा दो। जैसे आप देखते हैं कि बगैर कहे हुए लाखों रुपया साई ट्रस्ट में आता है, लाखों रुपया बालाजी के ट्रस्ट में आता है। तो हम लोग बनिए लोग तो कम से कम ये मानते हैं कि भैया जो आमदनी हमारी है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में आ रही, हम लोग ये मानते हैं कि हमें अपनी आमदनी का 5% जो है कम से कम जो है, अब आप दान पुण्य समझ लो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, उसको खर्च करना है। और शुरू से कहीं ना कहीं जो बनिए लोग हैं वो चाहे धर्मशाला में खर्च कर दें, चाहे स्कूल बनाने में खर्च कर दें, चाहे कोई विद्यालय चलाने में खर्च कर दें, चाहे शमशान बनाने में, भोपाल में शमशान कुछ बने हुए हैं उसमें खर्च कर दें, चाहे अभियान चलाने में खर्च कर दें। और हर आदमी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ करता है। बच्चों, एक हमारे मित्र थे, मुझे लग रहा कि जब हम अपने मन से करते हैं तो कोई गलतियाँ भी कर जाती हैं। एक क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है वो हम काम कर देते हैं। हमारे परिचित हैं देवास में, उन्होंने एक जिसको कहते बुजुर्गों के लिए एक आश्रम बना लिया और जमीन मिला के 25 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, जमीन मिला के, और उसमें मुश्किल से 5 आदमी रहने को आ रहे। तो होता यह है कि कभी कभी हमें जो अच्छा लगता है वो हम काम करते हैं। मैं इसको सही मानता हूँ कि गवर्नमेंट एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कह रही है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें जो आती है वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप कोई काम करने जाते हो, सड़क के बाहर भी आप अगर चलते हो, आपको मान लो स्कूल बनवाना, धर्मशाला बनवाना या कोई अस्पताल बनवाना या कुछ भी काम करना है, मैं आपसे कह दूं आपको अनाथालय भी बनवाना, तो हर काम बिगर सरकार के सहयोग के नहीं हो सकता। हर कदम पर सरकार खड़ी हुई है और जितने NGO इधर बैठे हुए हैं सब जानते कि सरकार से जो है कोई भी NOC लेना जो है, और जो पुराने लोग रिटायर्ड हैं वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सरकार से कोई भी काम कराना, जिसको कहते जिसको बोलते हैं ना कि लोहे के चने चबाना है, तो पहले मैं चाहूँगा कि सरकार को ये देखना चाहिए कि दो भागों में विभक्त करना चाहिए सरकार को अपनी वर्किंग। सरकार के बहुत से अधिकारी भी बैठे हुए होंगे, उनसे मेरा आग्रह है, विशाल कलेक्टर वगैरह तो चले गए, कि एक काम होता है हमारा व्यापारिक, ठीक है भैया व्यापारिक काम होता है, जो आपको सुविधा शुल्क चाहिए नहीं चाहिए भैया लो जो हमसे कोई लेना देना, वो एक अलग काम है कि आदमी पैसा कमा लिया। लेकिन जब सोशल काम होता है और उसमें भी अगर कोई सुविधा शुल्क की बात करता है, तो जैसे मुझे मेरी अभी एक बात हो रही थी कि फिर वो लोग काम, इस कई NGO ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जो फिर कागजों पर काम करते हैं और सही NGO पैसा निकाल के दे नहीं पाती। नतीजा जब मैं जैसे कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और भी एक इधर जिसको कहते हैं बुजुर्ग आश्रम है, उससे मैं जुड़ा हुआ था, माजी सर जी थे उसकी, वैसा ग्रांट देने में जिसको कहते हैं लोगों को, हमारे लोगों को भी, जबकि मैं खुद अखबार का आदमी हूँ, वैसा बिल्कुल जिसको कहते जूते गिर जाते। मदन मोहन जोशी को सब लोग जानते होंगे, नई दुनिया के बेचारे, उनके जूते गिर जाते अगर ग्रांट लाना है तो। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या पैरामीटर फिक्स करे कि जो सही लोग हैं और गलत लोग हैं उनको पैसा, क्योंकि जैसी सरकार, जो आप 50,000 करोड़ की जितने की बात कर रहे हैं, इसमें सरकार अगर अपनी भागीदारी कर दे, जैसे कई डिपार्टमेंट का पैसा, मेरी बात हो रही थी अभी वुमेन सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों से कि साहब बोले हमारे यहाँ का पैसा
हम दे नहीं पाते लोगों को। तो अगर ऐसी कोई स्कीम बनेगी भैया कॉर्पोरेट सोशल आए और वुमेन डेवलपमेंट के साथ जो लोग अच्छे लोग काम कर सके और सरकार उसमें सपोर्ट करे। अभी लकड़ा साहब पता नहीं है कि चले गए, लकड़ा साहब बैठे हुए हैं कि चले गए, वो कमिश्नर रह चुके हैं। उनसे मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ी दिक्कत जाएगी कि गाँव में जब आप काम करने को जाओगे तो फिर जो उधर पटवारी और जो छोटे अफसर छोटे बैठे हुए कार्यकर्ता उनको ये लगेगा कि ये साली एक और नई आफत हमारे पास कहाँ से आ गई। तो मेरा ये सोचना है कि सरकार को पहले, अगर सरकार वाकई चाहती है, नहीं तो फिर होगा ये कि जैसे मैंने आपको अपने मित्र का एक अनुभव बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सा पैसा ऐसा खर्च हो जाएगा और उनकी पूरी भी हो जाएगी, पैसा खर्च होगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कॉर्पोरेट हो सकता कुछ परसेंटेज हर जगह 100 लोगों की आप गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम पैसा CSR में जो खर्च होगा, क्योंकि 2% के लिए कोई भी कॉर्पोरेट, और जिस हम लिस्टेड कंपनी है, अपनी बदनामी प्रताप जी मैं आपको बता दूं, कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अपनी बदनामी कराए। सिर्फ 2% में अगर बेईमानी हो गई तो उस कंपनी का मार्केट कैप 2 की जगह 20% कम हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो कोई भी कंपनियां अभी जो लग रहा है वो 5 करोड़ के साथ उस पर लग रहा है, और ज़्यादातर कंपनियां उसमें लिस्टेड कंपनी होगी जिनसे ये पैसा आएगा। तो वो लोग 2% में कोई बेईमानी करें ऐसा मैं नहीं सोचता, लेकिन सिस्टम क्या बने, जैसे बैंकों ने कहने चालू कर दिया, उनके सामने मजबूरी आ गई कि साहब हमको CSR से हटा दीजिए, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम खर्च कैसे, किस तरीके से इसको खर्च 2% इतने बड़े मुनाफे कैसे कर पाएंगे। तो इन समस्याओं से मैं समझता हूँ कि सरकार को जूझना पड़ेगा, सरकार को कोई वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी CSR मैं आपसे कह दूं कि बगैर सरकार के, और कल एक नया और कानून लगने आने वाला है, आप सबकी जानकारी में होगा, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, आपकी जानकारी में हो नहीं हो तो मैं बता दूं, उसमें 50 लोगों को भी आप खाना बना के अगर खिला रहे हो तो उसका बकायदा आपको एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उसको भी सजा हो जाएगी, और उसके अध्यक्ष को अगर रमेश अग्रवाल हुए तो वो भी सजा के प्रावधान में आ जाएंगे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कानून तो सरकार बना रही, लेकिन उनका पालन कैसे होगा? तो आज तो होता ये है कि आपका मन हुआ, आप गए किसी भी अनाथालय में गए, उन्होंने कहा आज भैया रमेश जी की बर्थडे है, इनकी बर्थडे है, भैया 100 लोगों को भोजन करा देना। अब कल होगा कि वो खाना सही है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं है, और धोखे में अगर खाने में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके बाद तो और जो होना है वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से नियम जो बने उनमें सरकार की सरलता होनी चाहिए, काम बहुत अच्छा होगा। अभी भी जो 50,000 करोड़ की बात हो रही, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इससे ज़्यादा तो वैसा आम आदमी जो करोड़ों जनता हमारी है, एक गरीब आदमी है वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, वैसा ये मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैं तो वैसा इतना समाज में काम करता हूँ जिसकी ताकत होती है, छोटे छोटे कार्यक्रमों में मैंने देखा कई लोग आ जाते हैं जिनसे वो उम्मीद नहीं करते, वो वैसा 2, 5, 10, 20 हज़ार रुपये निकाल के उठा कर देते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है, लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये पैसे का वाकई सही उपयोग और सही फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। एक बेईमानी अलग है, एक सही फायदा लोगों तक पहुंच रहा, जिस दिन ये अगर भावना लोगों तक पहुंच गई, मैं गारंटी से कहता हूं कि पैसे की कोई हिंदुस्तान में कमी नहीं आने वाली है। हिंदुस्तान जो है वो भामाशाहों का देश है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आप सबका धन्यवाद।